जब जब इस धरा पर गोरख गिरा है तब तब जो है ये धरा परेशान रही है। बिल्कुल, जहाँ जिस धरा पर गोरख गिरेगा, क्योंकि हम माता भारत में निराश को वंश जो घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, इनको जो है सुरक्षित किया जाए, जल्द से जल्द सुरक्षित किया जाए। सरकारी नगर में भी कट रही है, सरकार के स्वयं के जो है मुछल खाने जो चल रहे हैं, नौ कत्ल खाने जो सरकार की तरफ से जो चल रहे हैं, सरकारी कत्ल खाने वहाँ पर निरंतर गौ वंशों का जो मांस है वो निर्यात किया जाता है। हम श्री गोपाल से सभी स्वयं सेवक आज जंतर मंतर पर अपने यही मांग रखने आए कि सरकार को इनको हत्या के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और जो जितने भी निराश गौवंश जो है सड़कों पर घूम रहे हैं इनके लिए एक गौधाम खुलवा करके इनको वहाँ सुरक्षित रखा जाए। गो माता, गो माता, गो माता, सरकारी नगर में भी कट रही है, सरकार के स्वयं के जो है मुछल खाने जो चल रहे हैं, नौ कत्ल खाने जो सरकार की तरफ से जो चल रहे हैं, सरकारी कत्ल खाने वहाँ पर निरंतर गौ वंशों का जो मांस है वो निर्यात किया जाता है, उस पर रोक लगे, उस पर जो है सरकार विचाराधीन हो। निरंतर जितने भी गौ वंश घटते जा रहे हैं भारत के अंदर, आने वाले टाइम पर समय इस प्रकार का आ चुका है कि 500 लोगों पर एक गौ माता जो है निरंतर आ रही है, तो मेरा ऐसा ही मानना है। और मानना क्या है, ये आगे का हमने एक आगे लगाई थी, उससे भी एक मानना है कि जितने भी आने वाले लोग हैं उन पर प्रत्येक 500 लोगों पर एक गौवंश आ रहा है, और देसी गौवंश इस सृष्टि का आधार है, गौ माता रहेगी तो ये सृष्टि रहेगी। तो मेरा सरकार से यही वो है कि हर घर गाय का एक नारे के साथ, और हर घर गाय के नारे के साथ गौ माता का पालन होना चाहिए। जितने भी किसान भाई हैं वो ट्रैक्टरों से खेती कर रहे हैं, वो गौ माता के बैलों से खेती करें, जिससे कि खेती भी सुरक्षित रहेगी। और जो खाद के रूप में जो आज यूरिया यूज हो रहा है, जो जहर यूज हो रहा है, जो जवान जवान युवा अटैक पड़ के मर रहे हैं ये गंदा अन्न खा करके, वह अन्न दोबारा से सुरक्षित हो पाएगा। यह देश जो है कृषि प्रधान देश रहा है, यहाँ पर निरंतर को ट्रैक्टर हो, ट्रैक्टर के साथ साथ गौवंश के साथ भी जो है खेती करी जाए। अगर ट्रैक्टर से अगर आपको लगता है जमीन हार्ड है तो तत्पश्चात उसके बाद वहाँ पर गौवंश भी निराधार, गौ जहाँ पर गौ के पैर पड़ते हैं, गौवंश के पैर पड़ते हैं, वह धरती अपना भी पवित्र हो जाती है, और उसका अनाज में और एक ट्रैक्टर की खेती में एक डिफरेंस है। अगर आप यूरिया डालेंगे तो आपको भी मालूम है कि यूरिया एक फसल को जल्दी बड़ा कर देगा, पर वो एक जहर का है, जितने भी कीटनाशक डाले जा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा, अगर आप अपने घर में गौवंश रखते हैं, समस्त किसानों से भी कहूंगा और समस्त देश के जितने भी नागरिक हैं, जो जो गौ का संरक्षण कर सकता है, जैसे हमारे गोपाल गौरक्षा दल के लोगों ने गौ माता का संरक्षण किया हुआ है, निरंतर हर एक व्यक्ति ने अपने घर के अंदर एक गौवंश रखा हुआ है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रत्येक किसान को भी अपने घर के अंदर गौवंश रखना चाहिए, और गौ माता रहेगी तो यह सृष्टि रहेगी। और गौ की खाद अगर खेतों में डालेंगे तो आपको यूरिया खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका धन विदेशों में नहीं जाएगा। इसके यही कहूंगा कि अपने अगर धर्म के आधार को अगर बचा सकते हो तो समय है, बचा लीजिए, और नहीं बचा पाएंगे तो जैसे आज इतने आपदाएं इस देश पर आ रही हैं, पूरे विश्व में आ रही हैं, जब जब इस धरा पर गोरख गिरा है तब तब जो है यह धरा परेशान रही है, यहाँ पर आपदाएं रही है, कभी भूकंप आ रहा है, कभी सुनामी लहरें आ रही हैं, लोग निरंतर मर रहे हैं, जवान जवान युवाओं की हत्याएं हो रही हैं, अटैक पड़ के मर रहे हैं, इतना बिल्कुल जहाँ जिस धरा पर गोरख गिरेगा, क्योंकि हम गाय को अपना सनातन धर्म जो है गाय को अपनी माँ मानता है, और अगर माँ की जिस देश में हत्या हो रही है तो वहाँ माँ क्या दुआएं देगी, वो यही दुआएं देगी कि आपका भी इसी पर। लेकिन सर ये भारत है, यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो आप कैसे रोक लगाएंगे? मैं किसी भी धर्म को किसी उसमें नहीं रखना चाहता, सभी धर्म के लोग जो है प्रेमी है, ऐसा नहीं है कि कोई धर्म के लोग प्रेमी नहीं है, अगर उनको भी समझाया जाए, और ऐसा नहीं है कि लोग भारत के लोग इस मांस को ज्यादा यूज कर रहे हैं, यहाँ से जितना भी मांस जा रहा है अधिकतर वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उस चीज को लेकर के हम जो है यहाँ पर आज आए हैं, और जो भारत में निराश को वंश घूम रहे हैं सड़कों पर घूम रहे हैं, इनको जो है सुरक्षित किया जाए, जल्द से जल्द सुरक्षित किया जाए, हमारी सरकार से यही मांग है। तो जब गाय को माता मानते हैं, जब वही गाय
लावारी सड़कों के बिना, चारा के बिना, पानी के मरती है, उसमें क्या खाएंगे। इसी बात के लिए कहूँगा कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जितनी भी गाय जो है निराश गौवंश घूम रहे हैं, इनको अगर गौधाम इनके लिए बनवाया जाए और वहाँ पर इनकी व्यवस्था की जाए, कुछ सरकार करे और कुछ हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। 24 आवर गौ रक्षक जो है भारत के अंदर काम कर रहे हैं 24 घंटे। रातों को निराश गौवंशों को जो एक्सीडेंटल हो जाते हैं उनको उठा करके हॉस्पिटलाइज कराया जाता है, उनको अस्पतालों में भर्ती कराया जाता है। अगर हमको सरकार का साथ मिलता है तो हम इसके लिए जो है सरकार का धन्यवाद करते हैं, पर सरकार का साथ तो हमें कहीं तक नहीं मिल रहा। MCD के पास जाते हैं, सरकार इसलिए हमारा साथ नहीं देना चाहती कि भाई सरकार के पास खुद ही इतनी दिक्कत हो रही है, उनके पास गाड़ियां नहीं है, उनके पास अन्य चीजों के लिए वहां पे निरंतर और चीजों में घोटाले किए जा रहे हैं, पर जो एक सिस्टम से काम होना चाहिए वो काम वहां पर नहीं किया जा रहा। आज MCD के पास अगर हम फोन करते तो उनके पास अपना एक व्हीकल गौवंश को उठाने के लिए नहीं है। यह हमारा दुर्भाग्य है दिल्ली का। दिल्ली के अंदर अपनी एक गौशाला नहीं है दिल्ली सरकार की, यह भी हमारा दुर्भाग्य है। और निरंतर आप अगर अभी खजूरी रोड पर चले जाए, सोनिया विहार चले जाए, आप शास्त्री पार्क चले जाए और पंजाबी पार्क कहीं पर भी चले जाए, निराश गौवंश सड़कों पर इस प्रकार से फिर रहा है। और उन जो डेयरी खोल करके बैठे हुए, मैं उन पे भी कहता हूँ उन पे भी संज्ञान लिया जाए, जो उन गौवंशों को सड़कों पर छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और जितना निराश गौवंश है, जैसे कि नंदीश्वर भगवान है, ज्यादातर वह जो है सड़कों पर घूम रहे हैं और उनकी हत्याएं की जा रही हैं। लोग अपने वाहनों को इस कदर चलाते हैं कि उनको टक्कर मार के निकल जाते हैं और उन गौवंशों को रातों को 2-2 बजे हमारे पास पुलिस के माध्यम से सूचना आती है, अन्य लोगों के माध्यम से सूचना आती है, हमारे श्री गोपाल गौरव चैनल के स्वयंसेवक वहां तुरंत पहुंच करके उनको हॉस्पिटलाइज कराते हैं, अपने कनेक्ट से कन्वेंस से कराते हैं। हमारे पास एम्बुलेंस भी, हमारे पास अपनी स्वयं की नहीं है, हम वहां से प्राइवेट कन्वेंस करते हैं या एम्बुलेंस एक झज्जर में गोकुल धाम है वहां पर से एम्बुलेंस बुला करके हम उनको सीधा हॉस्पिटलाइज करा के उनका इलाज कराते हैं। तो सरकार से यही डिमांड है कि हमारा किसी भी प्रकार से सहयोग किया जाए और गौ वंश का संरक्षण किया जाए। आप क्या कहेंगे? ऐसे जंगलों में ऐसे कूड़े दानों के जगह वो खाने के लिए और ऐसे चीजों के लिए मारते रहते हैं, तो उनसे भी हमने निकालते हैं। जैसे भैंस है, जैसे ज्यादातर भैंस काटते हैं, कर रहे हैं और हमारे हिंदू जो लोग हैं उनसे यही अनुरोध है कि गौ माता को बचाएं ज्यादा से ज्यादा, और जहाँ भी गौ माता एक्सीडेंट केस है उन्हें ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंस करके उन्हें हॉस्पिटल तक पहुँचाए। तो यही कहेंगे कि हमने दिल्ली में गोदाम बनाया है वहाँ पर ही छोड़ के जाए, दिल्ली में गोदाम बनाया हमने वहीं पर छोड़ के जाए। गौ माता है, इनका कहना है कि गौ माता।